Hello friends, so from this video I'm going to start the lecture session for class 12 chemistry. आज के इस वीडियो से मैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का लेक्चर सेशन शुरू कर रहा हूँ. तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स. तो चलो शुरू करते हैं हाउ टू क्लासीफाई हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स. लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना होगा कि ये हेलो एल्केन्स या हेलो अरेन्स होता क्या है. तो बच्चों देखो, हेलो एल्केन्स, इसमें दो वर्ड्स जुड़े हैं, एक है हेलो, दूसरा है एल्केन. मतलब क्या है हेलो? मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई एक. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. मतलब हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आर एक्स. आर क्या होगा? आर कोई एक एल्काइल ग्रुप होगा, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से. और X जो है यहाँ पे क्या, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई एक होगा. तो इस तरह से, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन. वैसे ही अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, सिंपल कुछ नहीं है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलो वर्ड देख ही रहे हो, फिर से जो है हेलो वो तो रहेगा ही. एरीन, एरीन क्या होता है? बेंजीन रिंग. तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजेन आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एरीन. तो एक्स कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनी वन ऑफ दिस. सो इन दिस वे वी डिफाइन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. अब ये क्लासीफाई कैसे होते हैं वो हमको जानना होगा. तो चलो हम देखते हैं कैसे हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्लासीफाई करते हैं. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सो लेट्स सी व्हाट इट इज. क्लासिफिकेशन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स. ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखेंगे, कैसे हम हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. कितने हेलोजन एटम्स कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको गिन के भी हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस. कितने हैलोजेंस हैं उस हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहला है आपका क्लासिफिकेशन मोनो हेलो एल्केन्स. ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स मतलब जिसमें एक ही हैलोजेन अटैच हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्स. अगर दूसरा है डाई हेलो एल्केन्स, मतलब क्या, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, दो हैलोजन अटैच्ड है, तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन्स. और तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन्स. ये क्या है, तीन ले लो इस तरह से, तीन वाले कंपाउंड. तो यहाँ आपका हो गया CH2X, X, CH2X. तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन्स. तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक हेलोजन है इसलिए मोनो, यहाँ पे देखो एक यहाँ तो डाई, और ये इसमें देखो एक दो तीन तो ट्राई. तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हेलो एल्केन्स को,
मोनोहेलोएल्केन, डाईहेलोएल्केन और ट्राईहेलोएल्केन पे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो हम इन मोनोहेलोएल्केन्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या लिखेंगे यहां हाइब्रिडाइजेशन। मोनोहेलोएल्केन्स को हम हेलोएल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज क्या क्या है। पहला प्राइमरी हेलोएल्केन, इसमें हम 1 डिग्री लिखते हैं। तो प्राइमरी आपका हो गया जिसमें एक आर सी एच टू एक्स, अगर इस तरह का आपका फॉर्मूला है सी एच टू के साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हेलोएल्केन। दूसरा सेकेंडरी हेलोएल्केन 2 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे R के एक R के बदले 2 R और ये दो हाइड्रोजन घट के एक हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसके बाद है थर्ड, थर्ड है टर्शरी हेलो एल्केन। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ तो ये हो गया टर्शरी हेलो एल्केन। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तो ये जो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इन तीनों में जो कार्बन हैलोजन के साथ लिंक्ड है, ये कार्बन इसके साथ, जो कार्बन हैलोजन के साथ लिंक्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस CX व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज वी कैन क्लासिफाई मोनो हेलोएल्केन्स। मोनो सब में देख लीजिए आप एक एक हेलोजन ही है। मोनो हेलोएल्केन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो पहले में प्राइमरी का जनरल फॉर्मूला था RCH2X, सेकेंडरी में यहाँ से एक H हटा दो, एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, टर्शरी में एक बचा कुचा जो H है उसको भी हटा दो और 3 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो। तो ये है फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, अपनोट करो। अब फिर हम सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हेलो एल्केन्स को हम मोनो हेलो एल्केन्स को sp3CX जो हाइब्रिडाइज्ड है उसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला है एलाइलिक हेलो एल्केन्स और दूसरा है बेंजाइलिक हेलोएल्केन्स। तो यहाँ पे देखो एलाइलिक एक ग्रुप है, ये CH2 डबल बॉन्ड CCX यहाँ पे H, ये जो ग्रुप है ये एलाइलिक ग्रुप है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इस तरह के अगर एलाइलिक ग्रुप के साथ, अगर कोई एलाइलिक ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच्ड है तो उसको हम एलाइलिक हेलो एल्केन्स कहेंगे। अगर हमारे पास साइक्लो हेलो एल्केन है, इस तरह से अगर कोई है, ये भी वही हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, हेलो साइक्लो हेक्स 3-ईन।
तो ये है, और दूसरा है आपका बेंजाइलिक हेलो एल्केन, बी ए है आपका बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजीन के ऊपर CH2X, दिस इज नोन एज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर हम यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ले ले और ये CH जैसे है, यहाँ पे अगर CH ले ले तो ये सेकेंडरी होगा, और अगर ये अगर हम यहाँ पे C के साथ एक R और दूसरा भी R ले ले और यहाँ H हटा दे तो ये टर्शरी, R यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो दिस इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में आप देख लो बेंजीन के साथ सिर्फ CH2X है। उसके बाद सेकेंडरी में क्या होगा, ये जो दो H है एक H हटा दो एक R लगा दो, RCH3 है वैसे ये, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन। और तीसरा वाला क्या है, दोनों H हटा के R डाल दो तो ये टर्शरी हेलो एल्केन्स में आ जाएगा और ये बेंजाइलिक, तो दिस इज टर्शरी। तो इस तरह से हम हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन, और इनमें भी ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे ये sp3 है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX bond we can classify haloarenes in three ways. First is primary, secondary, tertiary. Second, this is, I should write rather second, this is third. Second है allylic haloalkanes. Allylic आप याद रखना CH2 double bond CH CH2, ये allylic group है, इसके साथ halogen आ जाए तो ये allylic haloalkane हो गया। तीसरा है benzylic haloalkane, ये benzene के ऊपर CH2 अगर आ जाए तो ये benzylic haloalkane कहलाएगा, और अगर हम यहाँ एक H हटा के एक हैलोजन एक एल्काइल ग्रुप डाल दे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर दोनों H हटा के एल्काइल ग्रुप डाल दे तो ये टर्शरी कहलाएगा। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 cx बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो आप नोट कर लो, हाँ तो बच्चों फिर से मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ, ये एलाइलिक हेलो एल्केन्स में आपको यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा था। देखो इसको इस तरह से आपको नेमिंग करना है, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3, तो ये एक्चुअली होना चाहिए 3 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन, इट शुड बी 3 हेलो 1 2 3, 3 पोजिशन में हेलोजन है, 3 हेलो साइक्लो हेग्स वानी, ये साइक्लोहेग्स हैं। सो इस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, ये जो है अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हम इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप्स में, एक विनाइलिक हैलाइड्स और दूसरा है एराइल हैलाइड्स। तो देखो विनाइल ग्रुप आपको याद रखना होगा CH2 double bond CA, ये है विनाइल ग्रुप, इसके साथ अगर ये हैलोजन आ जाए तो देखो ये कार्बन जो है ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड किया है, तो मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स या हेलो इथीन, इसको हम लोग हेलो इथीन भी बोल सकते हैं। दूसरा एक आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, डायरेक्ट, और एराइल हैलाइड्स सिंपल है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन डाल दो तो ये हो गया आपका एराइल हैलाइड्स। तो आप अपने NCERT बुक में इन सारे क्लासिफिकेशन को अच्छा से देख सकते हो। तो इन जनरल इसका मैं आपको यहाँ पे नाम भी एक बता देता हूँ, ये है 1 हेलो साइक्लो हेक्स
वन इन इस तरह से नाम होगा और इसको हम लोग हेलोइथीन बोलते हैं। और ये तो है आपका एराइल हैलाइड्स। तो आज हमने ये जाना कि हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हेलो एल्केन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कैसे कर सकते हैं, मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एल्केन्स हो गया। फर्दर ये जो मोनो हेलो एल्केन्स वाले हैं जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन होगा, यही आपके सिलेबस में है, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में, फिर दूसरा एलाइलिक और तीसरा बेंजाइलिक, उसको मैंने डिटेल में बता दिया आपको। और तीसरा है, सेकेंड टाइप है हाई ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। अगर CX बॉन्ड वाला C जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम दो टाइप्स में, दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है विनाइलिक हैलाइड्स, ग्रुप्स को आपको याद रखना होगा, और दूसरा है एराइल हैलाइड्स। तो यही है क्लासिफिकेशन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स को हम क्लास नेमिंग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।